आप सभी लोगों का स्वागत करते हुए मैं अपने को उपकृत भी अनुभव कर रहा हूं, आप लोगों के प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं स्वागत से पहले। और प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी हमारे साथ जो जुड़े हैं, उनके प्रति मैं ये बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं, साझा करना चाहता हूं कि जब मैं परंपरा की दृष्टि से बात करता हूं तो ऐसे लोगों को ढूंढना बहुत दिन पे दिन कठिन होता जा रहा है जो आधुनिकता और परंपरा दोनों के जिनमें सम्मिश्रण समन्वय के रूप में है। सम्मिश्रण कई तरह से हो सकता है लेकिन वो समन्वयात्मक हो ये बड़ा दुर्लभ है। और प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्रा जी उन व्यक्तियों में से उन एक हैं जिनके व्यक्तित्व में आप देखेंगे जब वो अपनी बात हमारे साथ साझी करेंगे, हमें दिशा निर्देश देंगे, तो ये दोनों बातें आप उनके व्यक्तित्व में सहज प्रस्फुटित होते हुए देखेंगे। आज के मुख्य वक्ता को मैं परंपरा के अनुसार उनका वाणी मात्र से स्वागत कर रहा हूं। परंपरा में ये कहा जाता था कि न रिक्त पाणिर् गच्छति, जब भी विद्वान के पास जाएं तो खाली हाथ ना जाएं और जब भी जाएं तो समित संविधाएं लेकर के जाएं। और मेरे पास सर 3 संविधाएं उपलब्ध हैं और वाणी मात्र से वो मैं आपके समक्ष में प्रस्तुत करना चाहता हूं। मेरे पास एक संविधा का नाम है नचिकेता, जिसके पास प्रश्न ही प्रश्न है और आदेश पालन स्वभाव में है। दूसरी संविधा का नाम जो है वो सत्यकाम जावाल है, जो कि सत्य से जुड़ी हुई संविधा है। और तीसरे संविधा का नाम है श्वेत केतु, जिसने सत्य के लिए अपने प्रश्नों को लेकर के सत्य के ओर अग्रसर हुआ और उसको वो उपलब्ध उस स्वभाव को वो उपलब्ध हुआ। तो मैं आपका स्वागत इन 3 संविधाओं से वाणी मात्र से करना चाहता हूँ, करता हूँ। और साथ ही सीधे सीधे विषय की ओर अग्रसर होते हुए मैं 2-1 बातें आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ और बड़े ब्रीफली आप लोगों को इस सारे विषय के बारे में जो अभी तक मैंने काम किया है या जो मेरी समझ बनी है, ताकि उसके ऊपर आप लोगों के क्रिटिकल कमेंट्स भी आए, आप लोग उससे असहमत भी हों, तभी उसका प्रयोजन सिद्ध होगा। साइकोलॉजी मुझे प्रभावित करती रही है और विशेष रूप से जब फ्राइड को पढ़ा, सिगमंड फ्राइड को, साइको एनालिसिस और ये सारे, तो तब ये लगा कि हम भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय परंपरा में इन तत्वों को, इन चीजों को क्यों नहीं खोजते। और फिर जब साइकी शब्द को देखने लगे तो उसके कई विभिन्न अर्थ हमें ग्रीक ट्रेडिशन में, वेस्टर्न ट्रेडिशन में मिलते हैं। कभी वो माइंड के रूप में है, कभी सोल के रूप में है, और कभी कभी वो स्पिरिट के अर्थ में दिखाई देता है। तो उसके कई सारे लक्षण हैं जिनके बारे में मैं समझता हूँ डॉक्टर साहब बात करेंगे। लेकिन उन सबको ध्यान करते करते मुझे लगा कि कम से कम हम संस्कृत के लोग, संस्कृत विषय को पढ़ाने वाले लोग ये दावा करते हैं कि देखिए वेदों में सब कुछ है, शास्त्रों में सब कुछ मनोविज्ञान का दिया हुआ है। तो वहीं से संदेह शुरू हो जाता है कि क्या साइकोलॉजी का मनोविज्ञान अर्थ सही है, क्या ये हो भी सकता है अर्थ, या कुछ और अर्थ होना चाहिए। और इसी तरह के अन्य बहुत सारे प्रश्न मेरे मन में हमेशा रहे, जिनको लेकर के मैं निरंतर ये प्रयास करता रहा हूँ कि हम इसका एक स्ट्रक्चर, एक स्वरूप भारतीय मनोविज्ञान का विकल्प रूप में तैयार करने का प्रयास करें। और जो मैंने अभी तक किया है वो मैं आप लोगों के क्रिटिकल कमेंट्स के लिए, असहमति के लिए, वो आप लोगों के साथ बहुत जल्दी से साझा करना चाहूँगा। जो इस पहली स्लाइड पे आप लोग जो कुछ देख रहे हैं उसको देख करके आप इसको आध्यात्मिकता के साथ, स्पिरिचुअलिटी के संदर्भ में मत जोड़िएगा। और इन बातों को मैं बहुत जल्दी स्पष्ट आप लोगों के साथ करूंगा, लेकिन उससे पूर्व मैं आपका आज के रिसोर्स पर्सन से परिचय करा दूंगा। और मैं चाहूंगा कि संजीव घारू जी जो हैं, वो जो कि डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि रिसर्च काउंसिल के, वो स्वागत करें। लेकिन उससे पूर्व मैं परिचय करवा दूं।
प्रोफेसर डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी वाइस चांसलर रहे हैं महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में, और उससे पूर्व वो प्रोफेसर एंड हेड थे डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली में। उसी दौरान मेरे डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी जब मैंने दो एक सेमिनार्स किए थे इंडियन साइकोलॉजी पे, तब इनसे इनके विषय में मुझे पता लगा। डॉक्टर साहब जो हैं वो ही हैज बीन वन ऑफ द लीडर्स ऑफ इमर्जिंग फील्ड ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। ही इज अ सोशल साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड ऑथर टू, और 1991-92 में ही वॉज फुल ब्राइट फेलो यूनाइटेड स्टेट्स, और ICCR के जो साइकोलॉजी का जनरल सर्वे होता था उसके वो चीफ एडिटर रहे हैं। नेशनल अवार्ड उनको सोशल साइंसेज के लिए मिला है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और साथ ही साथ उनकी कई पुस्तकें इंग्लिश और हिंदी में प्रकाशित हुए हैं। और मुझे ये बताते हुए और भी अच्छा लगता है कि उनके निरंतर जो आर्टिकल्स हैं वो हमें अखबारों में पढ़ने को मिल रहे हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में जो उनके कमेंट्स होते हैं, जो उनकी इनसाइट्स होती हैं, वो वाकई प्रशंसनीय है। तो इससे पूर्व कि मैं आगे की सारी बात करूं, मैं संजीव खारू जी को निवेदन करूंगा कि वो हमारे प्रतिभागियों का और मुख्य वक्ता का स्वागत करें, और फिर मैं विषय प्रवर्तन आप लोगों के साथ करूंगा। संजीव खारू जी। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम मैं आज के इस वेबिनार में डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी जो कि उपकुलपति रहे वर्धा में महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में, और लगभग 25 साल के बाद मैं अपने एक विद्वान को मैं जा रहा हूं एक लंबे अरसे के बाद। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सौभाग्य है। मैं स्वागत करता हूं डॉक्टर गिरीश्वर मिश्रा जी का आज के इस वेबिनार में। बहुत बहुत अभिनंदन उन तमाम प्रतिभागियों का जो आज इस वेबिनार से जुड़े हैं। सभी के बीच अधिक समय तक रहते हुए मैं डॉक्टर आशुतोष जी से प्रार्थना करूंगा कि हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और अपने आज के मुख्य वक्ता डॉक्टर मिश्रा जी को सुने और उनका करें। डॉक्टर आशुतोष जी। धन्यवाद संजीव जी, धन्यवाद। तो सीधे सीधे आप विषय की ओर अग्रसर होते हैं कि ये जो सेमिनार, ये वेबिनार जो हम करने जा रहे हैं, इसका जो लक्ष्य है कि हम ये निश्चित कर पाए कि भारतीय मनोविज्ञान शब्द जो भी प्रयोग करूं उसमें शब्दावलियां क्या हैं, उसकी अवधारणाएं क्या हैं और उसकी थ्योरीज क्या हैं, और उसके आधार पर क्या हम एक उस इंडियन साइकोलॉजी नाम का सब्जेक्ट एक विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं। जिसकी आप स्लाइड की ओर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि अगर वो मिस हो गया तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उस जिसकी की एकेडमिक सर्कल में वैल्यू हो, और एकेडमिक वैल्यू इस अर्थ में कि उसको हम अप्लाइड सेंस में भी देख सकें, उस पर रिसर्च भी हो और वो टीचिंग में भी आए, तो ये इसका लक्ष्य रहेगा। और जब मैं आप लोगों से ये बात करना चाहता हूँ, और विशेष रूप से डॉक्टर गिरीश्वर मिश्र जी के सामने ये बात मैं रखूंगा कि जब इस तरह के विषयों को हम लेते हैं तो अपनी परंपरा को देखें कि वहां पर किस तरह से किसी विषय का निर्माण किया जाता है। उसमें कुछ नियमों का पालन किया जाता है। न्याय विशेषिक के आधार पर हमें ये नियम देखने को मिलता है कि किसी भी बात को सत्य स्वीकार नहीं करना है जिसका हमें स्पष्ट ज्ञान ना हो। मुझे वो बात सोशियोलॉजी के लोगों से नहीं सीखनी, सोशल साइंटिस्ट के लोगों से नहीं सीखनी, मेरी अपनी परंपरा मुझे ये आगाह कर रही है, सावधान कर रही है कि किसी भी बात को सत्य स्वीकार मत करना जिसका स्पष्ट ज्ञान ना हो। दूसरा जो मैंने नियम सीखा समझा सांख्य के आधार पे कि किसी भी जटिल प्रश्न की मीमांसा कई वर्गों में विभाजित करके करना होगा, और यही बात आगे आप देखेंगे। तीसरा नियम जो हमें जब अब इस विषय पे बात करने जा रहे हैं वेदांत और योग के आधार पे, कि हम सरलतम बातों से आरंभ करें
और जिससे कि जटिल समस्या का हल करने में हमारी उन्नति और अग्रसरता हो। चौथा नियम हमने लिया है तंत्र के आधार पर कि जिन बातों का विचार करना है उनकी प्रासंगिक घटनाओं को उसमें शामिल किया जाए। मैं समझता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि संस्कृत के लोग इन चीजों को इस रूप में क्यों नहीं पढ़ते और पढ़ाते और क्यों नहीं प्रस्तुत करते, क्यों वो सोशल साइंटिस्ट को चुनौती नहीं देते कि इस आधार पर अनुसंधान किया जाना चाहिए। अस्तु, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि जो ये अभी लेटेस्ट जो एक प्रयास मैंने किया है, सर मैं आपकी अनुमति से लगभग 5-7 मिनट लूंगा अपनी बात रखने के लिए। स्वागत स्वागत है जी। ये एक मॉडल डिजाइन करने का मैंने प्रयास किया है कि अगर आप अपना व्यक्तित्व विश्लेषण करना चाहते हैं, पूरा संस्कृत शास्त्र के आधार पर है, बीच में आपने स्वयं को रखा है और यहाँ पर आप एक पक्ष पे ज्ञान देख रहे हैं, भाषा, कर्म, स्वतंत्रता, धर्म, संबंध, विचार और भाव, ये आपकी परिधि पर है, केंद्र में आप हैं और परिधि पे ये सारी चीजें हैं, इनमें आप और भी चीजें जोड़ सकते हैं आवश्यकता अनुसार। अब इनके बीच में जब आप इनके बीच की जो दूरी है आपके केंद्र से और परिधि के बीच की जो दूरी है वो 16 अंशों में है, 16 उसके भागों में है। अब ये 16 के मैंने भाग कहाँ से लिए हैं, क्योंकि षोडश कलेश पुरुषः बार बार कहा जाता है, संपूर्ण व्यक्तित्व का जो द्योतक संख्या है वो क्या है, 16। तो 16 जो है वो आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को मिलाकर के आपके पंच प्राण और 10 इंद्रियां भी हो सकते हैं, और भी कई हो सकते हैं, उनमें मैं नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप इसका प्रायोगिक रूप देखें तो इस लाइन के ऊपर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं, और मुझे लगा कि ये एक बड़ा सहज और सरल उपाय है। कैसे कि जैसे मैं यहाँ केंद्र से अपने कर्मों का मूल्यांकन करना चाहता हूँ कि मेरे कर्म करने की क्षमता, कर्म कर्म में पूर्णता, कुशलता, जो भी आप चाहें ये हम बाद में बातें करेंगे, उसको आप उतने नंबर दे दीजिए 1 से 16 के बीच में, यानी कि केंद्र से लेके कर्म की परिधि तक के बीच में आप अपने आप को स्वयं मूल्यांकित करके 1 से 16 के बीच में कहीं पर भी अपनी संख्या दे सकते हैं। इसी तरह आप अपनी स्वतंत्रता को 1 से 16 के बीच में कहीं पर भी संख्या दे सकते हैं। धर्म, धार्मिक होने या धर्मज्ञ होने को भी इसी तरह दे सकते हैं। और उसके बाद जब आप अपने को संख्या दे लेते हैं, फिर उनको जब आप जोड़ते हैं तो ये जो बीच का भाग है ये तो आपकी उपलब्धियां हैं, और जो इस के बाहर का भाग है, इस लाइन के बाहर का जितना भाग है उसके उपलब्धि के लिए आपको प्रयास करना है। इसको हालांकि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको घर में भी आप करके देख सकते हैं, स्वयं इसको करके देख सकते हैं कि पहले केंद्र बनाइए, केंद्र के बाद परिधि बनाइए, परिधि पे आप ये सारी चीजें रख सकते हैं, और फिर 1 से 16 पर हर एक के ऊपर निशान लगाइए, उन निशानों को मिलाकर के आप जोड़ दीजिए। तो ये कुल मिलाकर के ये जो बीच का भाग आप देख रहे हैं ये आपके पास चीजें हैं, ये आपके पास उपलब्धता है, और ये बाहर का भाग जो है वो अनुपलब्ध है, उसके लिए ये सारा का सारा प्रयास है। तो मुझे लगता है कि हम भारतीय मनोविज्ञान की बात यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये एक प्रायोगिक है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। भारतीय मनोविज्ञान के कुछ विषय जो हम चर्चा में आज लाएंगे और डॉक्टर साहब की जिनके ऊपर टिप्पणी रहेगी, उसमें सबसे पहले हम देखने का प्रयास करेंगे कि मानवीय स्वभाव का परिभाषीकरण कैसे करें, फिर देह, इंद्रियां और प्राण ये क्या होती हैं, नाड़ी या स्नायुमंडल, नर्वस सिस्टम, माइंड जिसे अंतःकरण हम कहेंगे, इमोशंस और सेंटिमेंट्स, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रक्रिया क्या है उसको भी हम देखेंगे, एक्शन जिसे कर्म कहते हैं, लैंग्वेज एंड स्पीच इसको भी हम देखेंगे, मनोभाषी इसको शब्द हमें प्रयोग करना चाहिए था, और फिर कुछ करेक्टिव मेथड्स जिसमें हम काउंसलिंग टेक्निक्स हमारे संस्कृत शास्त्रों में कौन कौन सी उपलब्ध होती हैं वो सारे विषयों को हम कवर करेंगे। अगले 3-4 मिनट में मैं सारी ये बात आप लोगों के सामने समाहित करके डॉक्टर साहब को आमंत्रित कर रहा हूँ। ये कुछ एक विषय है और मैं चाहूंगा जितने भी प्रतिभागी हैं इन चीजों के स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे तो उसके बाद उनको टिप्पणी करने में और कल बातचीत करने में आसानी भी रहेगी। ये कुछ एक प्रश्न है जो जिनके आधार पर मैंने ये काम करना आरंभ किया था कि हैव देयर बीन एनी टर्म सिस्टम थिंकिंग प्रोसेसेस इन इंडियन ट्रेडिशन रिगार्डिंग साइकोलॉजी, और इफ देयर हैड बीन एनीथिंग व्हिच डील्स विद द साइकोलॉजिकल इश्यूज इन द इंडियन ट्रेडिशन देन अ सीरियस इन्वेस्टिगेशन इज नीडेड
so as to find out not only new dimension in psychology but also to find a better alternative psychological system. आप पढ़ सकते हैं, मैं ज्यादा उसमें समय नहीं ले रहा, स्क्रीनशॉट्स आप लेते जाएं, उसको आप पढ़ते रहिए. अब यह है कि भारतीय मनोविज्ञान की विषय सामग्री कहाँ से आएगी, जिसके वैदिक स्रोत हैं, साहित्यिक रचनाएं हैं, साहित्य शास्त्र है आदि आदि, ये सारी चीजें हमें उपलब्ध होती हैं. ये कुछ एक मॉडल्स हैं जो मैं चाहूंगा कि डिटेल में नहीं जा रहा, बिल्कुल भी डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन केवल आपको दिखा रहा हूं कि अगर हम सेंटर में ये मनुष्य को रखते हैं और उसके स्वभाव को रखते हैं तो ये उसका विषय आपको दिखाई देंगे. नर्वस सिस्टम, इमोशंस, प्रोसेस ऑफ नॉलेज, ये एक प्रारूप है, मॉडल है जिसपे हम कभी चर्चा कर पाएंगे. दूसरा मॉडल ये है वैदिक मनोविज्ञान का, जिसपे मैं ज्यादा काम नहीं कर पाया. इसमें भी अगर आप ये बीच में मनुष्य को रखें और उसका ज्ञातृत्व, भोक्तृत्व और फिर उसको सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर आदि में उसको बांट सकते हैं, और फिर उसकी जो आउटर परिधि है वो अन्मय कोश और आनंदमय कोश, ये सभी आप लोग जानते हैं, लेकिन उसका मॉडल के रूप में प्रस्तुत करना एक अलग बात है. आप में से किसी का माइक ऑन है, प्लीज आप थोड़े से मर्यादा को ध्यान में रखते हुए. मीटिंग में जो अगला, जो तीसरा मॉडल है जिससे मैं प्रभावित हूँ और जिसके ऊपर मैंने काम किया, वो है न्याय विशेषिक का. आप सभी ने जो है वो इसको पढ़ा हुआ है कि यहाँ पर केवल द्रव्य को अगर हम देह अर्थ में ले लें और इसके हमें प्रमाण मिल जाते हैं, तो आप देखेंगे प्रत्येक मनुष्य में 24 गुण होते हैं. दो तरह के उसमें सामान्य, अपर पर सामान्य और अपर सामान्य होते हैं. प्रत्येक मनुष्य विशेष होता है. एक उसमें समवाय संबंध रहता है, समाज के साथ रहे, परिवार के साथ रहे, और चार प्रकार के अभाव उसके प्रेरक होते हैं, और फिर पांच प्रकार के उसके कर्म होते हैं, सामाजिक कर्म होते हैं. कहीं वो ऊपर जाना चाहता है, कहीं वो साहित्य में जिस तरह से अपने अपना विस्तार करना चाहता है, और तो उसके कर्म ऐसे भी होते हैं जो उसे समाज में नीचे भी ले जाते हैं. तो मैंने इन सारे जो वैशेषिक दर्शन था उसको उल्टा दिया, ठीक वैसे ही जिस तरह से क्या कहते हैं कि हीगल को शायद मार्क्स ने उल्टा कर दिया था, सीधा किया था. मार्क्स ने ये कहा था कि मैंने हीगल का जो मॉडल है उसको सीधा कर दिया है, जो कि बिल्कुल उल्टा था. और ये है, मैं इसमें नहीं जा रहा, ये इसकी व्याख्या थी. एक दो चीजें और दिखा करके आपको मैं समाप्त कर रहा हूं अपनी बात. ये कश्मीर शैविज्म पर आधारित चौथा मॉडल है, जो मुझे काफी प्रभावित इसने भी किया है, कि प्रत्येक मनुष्य में ये तीन चीजें होती हैं कि उसकी इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति, उसका अस्तित्व है, और उसके ये तीन पक्ष हैं, और उसके व्यवहार की स्थितियां तीन प्रकार की होती हैं. ये बहुत मजेदार चीज है, ये आपको कहीं और मुश्किल से मिलेगा. एक व्यवहार की स्थिति होती है अहम इदम की, कि आप दूसरी चीजों के साथ अपने को आइडेंटिफाई करते हैं. फिर क्या होता है कि अपने आप को, अपने साथ चीजों को आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं. और तीसरी स्थिति होती है जिसे हम स्वस्थ स्थिति कहते हैं, कि जहां पर मैं हूं, अहम अहम और इदम इदम, दूसरे दूसरे हैं, मैं हूं, ये एक तीसरी स्थिति है. और लेकिन इसमें जो मजेदार चीज है, सबसे खूबसूरत चीज है, वो है कि आपकी लिमिटेशंस क्या है. ह्यूमन बिहेवियर की लिमिटेशंस कौन सी है, वो ये है, लिमिटेशन ऑफ इंडिविजुअलिटी, लिमिटेशन ऑफ प्लेस, लिमिटेशन ऑफ टाइम, लिमिटेशन ऑफ अटैचमेंट, लिमिटेशन ऑफ नॉलेज एंड लिमिटेशन ऑफ क्रिएटिविटी. अगर इन चीजों को हम सही रूप में मूल्यांकन पद्धति के द्वारा स्थापित कर सकें, तो मुझे लगता है कि हम एक वैकल्पिक मनोविज्ञान की पूर्ण भूमिका जो है वो उपस्थित कर सकते हैं. तो मैं अभी अपनी बात यहीं पर अपनी बात को विराम दे रहा हूँ. ये मैं मॉडल्स आपको दिखाना चाहता था, हालांकि इसके कुछ क्वेश्चनर्स भी मैंने डिजाइन किए, डिवेल्प किए, उनके निष्कर्ष निकालने की भी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं जानता कि वो कितने सही और कितने वो हैं, वो भी आप लोगों के साथ बाद में मैं शेयर करूंगा. तो कुल मिलाकर के मैंने एक स्थूल से रूप में बहुत संक्षेप में आप लोगों के साथ ये मनोविज्ञान, भारतीय मनोविज्ञान, संस्कृत शास्त्र आधारित जो मनोविज्ञान है उसका प्रारूप आप लोगों के साथ साझा किया है. और मैं चाहूंगा कि आप लोग इससे असहमति अपनी व्यक्त करें, इसके प्रति एक आलोचनात्मक भाव से इसके प्रति अपने विचार व्यक्त करेंगे जब डॉक्टर साहब के लेक्चर के बाद, तो मुझे प्रसन्नता होगी.
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर गिरीश्वर मिश्र जी को कि वो अपना वक्तव्य जो है वो हमारे साथ आरंभ करें और हमें जो है वो दिशा निर्देश प्रदान करें। मैं अपनी स्लाइड हटा रहा हूं ताकि उनका वक्तव्य हम सुन पाए। डॉक्टर गिरीश्वर जी सर। आप सबका हार्दिक अभिनंदन। हम सब लोग आशुतोष जी के विशेष रूप से आभारी हैं कि उन्होंने भारतीय चिंतन परंपरा को विकसित करने के लिए इस वृहद यज्ञ का आयोजन किया है और पिछले अनेक वर्षों से वे निरंतर इस प्रकार का यत्न कर रहे हैं कि जो भारतीय चिंतन के रत्न हैं उनको धो पोंछ कर और स्वच्छ करके जो उनके ऊपर आधुनिक युग में आवरण आ गया है उनके ऊपर उसे हटाकर और प्रस्तुत करें। और अभी अत्यंत संक्षेप में बहुत व्यापक अर्थ रखने वाले विचारों को, प्रत्ययों को और उनसे जुड़ी हुई जो एक प्रकार की पारस्परिक उनका जो संबंध है उनको समझने की एक दृष्टि उन्होंने हमारे सामने रखी है। मैं उनके प्रति विशेष कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। आज की चर्चा के लिए मैंने उनसे अनुरोध किया था कि हम लोगों के मन में कौन कौन से प्रश्न हैं और किस दिशा में हमें विचार करना है, इस पर एक टिप्पणी भी प्रस्तुत करें और मेरा अनुरोध स्वीकार कर उन्होंने यह सब बात आपके सामने रखी और एक अतिरिक्त टिप्पणी हमें भी उपलब्ध कराई। मैं पुनः उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि इतने व्यवस्थित रूप से इस चिंतन परंपरा को समझने के लिए वो किस प्रकार प्रतिश्रुत है, यह एक अपने आप में अनुकरणीय प्रश्न है और मैं समझता हूँ कि यह हमारे लिए बहुत ही एक गौरव की बात है किस प्रकार का कार्य संपन्न हो रहा है। कुछ बातें मैं यहाँ पर भूमिका के रूप में रखना चाहूंगा। भर्तृहरि ने तो बहुत पहले कहा कि भाई शब्द के माध्यम से ही ज्ञान तक हमारी पहुंच होती है और सब उसी का खेला है, उसे समझने की आवश्यकता है। अब हमारे सामने एक शब्द आ गया है मनोविज्ञान, जो कि अंग्रेजी के साइकोलॉजी का अनुवाद किया गया है और बड़ा कठिन और जटिल प्रश्न है कि अनुवाद भी ठीक है क्या, क्योंकि साइकोलॉजी शब्द में कहीं मनोविज्ञान नहीं है। साइकी और लॉजिक का अर्थ आप विज्ञान भी लगाए, ज्ञान भी लगाए, शास्त्र भी लगाए। और जब हम मन के विज्ञान की बात करते हैं और उसको एक स्थायी वस्तु के रूप में ग्रहण कर लेते हैं, वो अभी अपने आप में कठिनाई का कारण है, क्योंकि जो आधुनिक मनोविज्ञान नामक विषय है उसका पूरा का पूरा विकास यूरोप और अमेरिका में खूब हुआ और वहीं से उसका पौधा ले आ करके भारत में भी रोपा गया, ट्रांसप्लांट, और उसकी पूरी रूपरेखा एक भिन्न प्रकार की है, उसके आधार भी भिन्न प्रकार के हैं और उसके आधार पर जो प्रश्न खड़े होते हैं उनका जो अध्ययन है वह भी एक भिन्न प्रकार का है। और
जैसा कि आदरणीय आशुतोष जी ने बताया कि हम भारतीय मनोविज्ञान विकसित करना चाहते हैं और मैं उनके इस यत्न में सहभागी हूँ और अनेक वर्षों से इस प्रकार का प्रयास हमारी ओर से भी हो रहा है। हम लोग एक बड़ी विचित्र परिस्थिति में हैं और वो परिस्थिति यह है कि मनोविज्ञान का जो आधुनिक मनोविज्ञान है उसका विस्तार का जो काल है वो ज्यादा से ज्यादा 100-150 साल का हो रहा है। उसके पहले दार्शनिक थे लेकिन विज्ञान की जो उसकी धारा बनी वो तो अभी 100-150 साल की है, इससे अधिक की नहीं है। और भारत में भी उसका अध्ययन का आरंभ जो है 1916 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में शुरू हुआ और उसे आरंभ करने वाले भी जर्मनी और इंग्लैंड वहां से ही पढ़ करके और उसी परंपरा को यहाँ पर पूरी तरह से स्थापित किया और यहाँ की ज्ञान परंपरा से उसका कोई लेश मात्र भी संबंध जो है नहीं रखा है, कहीं उसके अंतर्गत उसकी जगह ही उसमें नहीं थी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण विचार का बिंदु है कि उस पश्चिमी दृष्टिकोण में भी निरंतर परिवर्तन होता चला गया है। वहां भी आरंभ तो जरूर दर्शन शास्त्र के अंतर्गत हुआ लेकिन जो फिजियोलॉजी थी, जो मेडिसिन थी, जो फिजिक्स था, उन सब में जो कार्य हो रहे थे उन्होंने उसके लिए मॉडल उपलब्ध कराया। और विज्ञान शब्द हमारी अपनी परंपरा में भी है लेकिन वह विज्ञान प्रज्ञान वह भिन्न है, लेकिन वहां जो विज्ञान की जो पद्धति थी वो शुद्ध रूप से भौतिक विज्ञान जो प्राकृतिक विज्ञान है वहां से लेकर के जो वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, निर्जीव का अध्ययन करते हैं, वहां से उसका मॉडल लिया गया और उसके आधार पर अध्ययन शुरू हुआ। ये निरंतर बड़े मेहनत से, बड़े प्रयास से उसमें तरह तरह का कार्य आरंभ हुआ। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि हमारी इच्छा क्या है और हमारा प्रस्ताव क्या है और जो ज्ञान की एक परंपरा है उसके साथ उसका क्या संबंध हो सकता है, इस पर एक समुचित हम अपना विचार विकसित कर सके इसलिए जानना आवश्यक है। तो वहां जो बात शुरू हुई वहां आरंभ तो हुआ अंतरदर्शन से, आरंभ तो हुआ चेतना के अध्ययन से, लेकिन विज्ञान के अनुरूप बनने का इतना ज्यादा दबाव था कि यह जो अनुभव की और चेतना की अध्ययन की परंपरा थी वह हाशिए पर चली गई और व्यवहार जो है जो कि प्रेक्षण गम्य है, जो कि देखा जा सकता है, नापा जा सकता है, पहचाना जा सकता है, और दूसरी बात कि अपनी चेतना का अध्ययन नहीं दूसरे व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, तो मनोविज्ञान की धारा ही 1913, 14, 15 के करीब व्यवहारवाद के अंतर्गत पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ रूप से किसी एक सामने वाले व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कैसे किया जाए। ध्यान दीजिए इस बात को कि हम स्मृति का अध्ययन करते हैं, व्यक्तित्व का अध्ययन करते हैं, सब कुछ का अध्ययन करते हैं, चिंतन का अध्ययन करते हैं, लेकिन दूसरे व्यक्ति का, आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए कि दूसरे व्यक्ति का जो अध्ययन करते हैं उसकी स्मृति का मापन किया हमने, हमने उससे कुछ प्रश्न पूछे, उनका उत्तर लिया, उनके आधार पर जो मिला उसको एक वस्तु के रूप में हमने ग्रहण किया, एक पदार्थ हो गया वो, उसको गणना के आधार पर, क्वांटिफिकेशन के आधार पर एक वस्तु का रूप हमने दे दिया, जैसे कि कोई अन्य भौतिक पदार्थ होता है।
और उस अन्य भौतिक पदार्थ का किसी और चीज से क्या संबंध है, और इसकी पूरी एक टेक्नोलॉजी हमने वहां पर विकसित कर ली। वह टेक्नोलॉजी यह हुई कि हर चीज को एक एक वस्तु का नाम दे दिया, और वह व्यक्ति के अनुभव से व्यक्ति से अलग वस्तु हो गई। एक एक डब्बे में रख दिया गया कि यह मेमोरी है, यह थिंकिंग है, यह रीजनिंग है, यह पर्सनालिटी है। आप पूरा जो वहां पर अध्ययन की प्रक्रिया आप पाएंगे, और फिर उन वस्तुओं का आपस में क्या संबंध है, फिर उनके संबंधों का औरों से क्या संबंध है, ये सारा बड़े विस्तार से अध्ययन शुरू हुआ। और उसका अधिकाधिक जो है सुपर स्पेशलाइजेशन होता चला गया, यहां तक कि जो उसकी सबसे बलशाली संस्था है जिसे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहा जाता है, उसके इस समय 57 विभाग हो चुके हैं, डिवीजन, अर्थात इतने प्रकार के विशिष्टीकरण है, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे। तो यह अत्यंत सूक्ष्म रूप से उसी वस्तुगत व्यवहार केंद्रित और मापन योग्य और वस्तुनिष्ठ विषय का अध्ययन जो है वह विकसित होता चला गया। एक और महत्व की बात है कि वहां पर व्यक्ति का अध्ययन वही जो है वह महत्वपूर्ण हो गया। व्यवहार का अध्ययन, व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन, वस्तु के रूप में अध्ययन, पदार्थ के रूप में अध्ययन और निर्जीव पदार्थ के रूप में अध्ययन, या आप ध्यान दीजिए वो पूरा जो चिंतन है वह इस प्रकार का है। आप किसी भी मनोविज्ञान की पुस्तक का अवलोकन करें, विशेष रूप से जिसे जनरल साइकोलॉजी से आरंभिक कहा जाता है, वहां पर उसके प्रथम अध्याय में ही आप पाएंगे कि व्यवहार का अध्ययन है, और उस व्यवहार में कहीं मनुष्य की चर्चा नहीं है, वह किस प्रकार के व्यक्ति का अध्ययन इसकी भी चर्चा नहीं है। वह व्यवहार एक पदार्थ है, उसका विश्लेषण करिए आप, और सभी विषय जो है वो उसी की श्रेणी में रख दिए जाते हैं। वह जीवित प्राणी का व्यवहार है, प्राणी का व्यवहार है, यह भी वहां उल्लेख करना आवश्यक नहीं। और जो ज्ञान की परंपरा विकसित हुई उसमें यह आरंभ हुआ कि हम उसका मापन कर सकते हैं, और मापन करके उसके बारे में गणना करके हम भविष्य कथन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति का व्यवहार आगे कैसा होगा। सांख्यिकी का उपयोग हमने उसमें शुरू किया, और उन सब के आधार पर यह सुविधा हुई कि हमें लगा कि एक अंक से दूसरे अंक तक हम पहुंच जाते हैं, और जो स्टेटिस्टिक्स कहलाता है उससे एक प्रकार का प्रोबेबिलिटी जिसको कहते हैं संभावना कि इस प्रकार की चीज हो सकती है। तो सारा का सारा जो विश्लेषण हुआ वो उस प्रकार का हुआ, उसमें अनुभव और चेतना ये सब का सब हाशिए पर चला गया। वह एक निर्जीव पदार्थ के रूप में उन वस्तुओं का अधिकाधिक विश्लेषण हमने शुरू किया, और एक प्रौद्योगिकी के रूप में, एक टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित हो गया स्टैटिस्टिक्स, और इसी प्रकार से साइकोलॉजिकल टेस्टिंग जिसे मनोमिति कहते हैं। तो मनोविज्ञान जो है वह इन्हीं के आधार पर, इन्हीं की बदौलत खूब फला फूला विकसित हुआ। और उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वह यह है कि वह एक बड़े ही व्यक्ति केंद्रित, इंडिविजुअलाइज्ड व्यक्ति का अध्ययन है, और उसका जो विस्तार हुआ है, नाना उसकी जो शाखाएं विकसित हुई है, वह एक बिल्कुल दूसरे भिन्न प्रकार से हमको बांधती हैं, और वो आगे बढ़ाने का काम उसी दृष्टि से करती हैं। और अगर आप देखेंगे, मैं बात को अधिक जटिल नहीं बनाना चाहता, लेकिन प्रतिदिन नए नए संप्रत्यय, उसमें नई नई विशेषताएं एक नए पदार्थ के रूप में विकसित हो जाती,
उसकी बड़ी जटिलता है, उसकी एक टेक्नोलॉजी बन गई कि आप ऐसे ऐसे करिए, यह एक मापक बन गया और उसके आधार पर विधि के ऊपर आधारित, और वह विधि जो आपने निर्मित की है और वह सांख्यिकी के आधार पर है और वह पदार्थ की मूलभूत विशेषता के रूप में है। और यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि उन सबको जो नए अध्ययन हो रहे हैं उनमें बड़ी रुचि के साथ जैविकी में या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस में, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस में अपचयित कर दिया जाए, उसमें रिड्यूस कर दिया जाए। वहीं पर अब देखने का प्रयास बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि कहां पर किस हार्मोन के सिक्रीशन में या किस जैविक प्रक्रिया में उसे समझा जा सकता है, उसके आधार पर उसको समझा जा सकता है, तो ये उसकी प्रवृत्ति है। दूसरी ओर जो प्रवृत्ति विकसित हुई है वह प्रवृत्ति है जो कि जो देश स्वतंत्र हुए उनकी नई नई अपनी अपनी अस्मिताएं विकसित हुई और उनके आधार पर भिन्नता का ध्यान किया गया और उस भिन्नता को बड़ा महत्व दिया जा रहा है। वह सांस्कृतिक भिन्नता जो है वह भी महत्वपूर्ण है और उसके साथ ही साथ यह मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि पूरे मनोविज्ञान में वैयक्तिकता, निजता और यूनिकनेस कि हर व्यक्ति पूरी तरह से स्वतंत्र है, भिन्न है एक दूसरे से, यह ही उसकी मनुष्यता का लक्षण है। और कितनी भिन्नताओं का अध्ययन कर सकते हैं उस रूप में ही उसका विश्लेषण किया जाता है। तो ये प्रवृत्तियां हैं जिनके अंतर्गत आधुनिक मनोविज्ञान का निरंतर बड़ी तेजी से विकास होता चला जा रहा है। और इसके साथ ही साथ कुछ और घटनाएं भी हुई हैं जिन्हें हमारा ध्यान जाना चाहिए। वो ये है कि इस पूरे विश्लेषण में चैतन्य का स्थान गौड़ हो गया है, चेतना का स्थान जो है वह गौड़ होता चला गया है, व्यक्ति भी एक वस्तु के रूप में ही परिगणित होने लगा है। और पूरी की पूरी यह जो प्रवृत्ति है वह आधुनिकता, विकास, प्रगति, भौतिकता इन सब की छाया में हुआ है और यही उसके एक प्रकार का आधार है जिसके आधार पर सारा का सारा विकास होता जा रहा है। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता था कि यह एक प्रकार की दृष्टि है जिसका विस्तार प्रचुर मात्रा में हो रहा है, उसकी अपनी समस्याएं भी खड़ी हो रही हैं, उनका उत्तर भी उसी में खोजा जा रहा है। चेतना को लेकर के आदरणीय आशुतोष जी ने फ्रायड का उल्लेख किया और भी बहुत सारे लोग हैं जो फ्रायड के सहयोगी थे और भिन्न भिन्न दिशाओं में गए, लेकिन जो मुख्य धारा है उसमें वो सब बाहर चला जाता है। बाहर इसलिए चला जाता है कि उसकी वैज्ञानिकता पर संदेह किया जाता है, अचेतन अवचेतन और कुछ अध्ययन इस प्रकार के भी हैं जिन्हें हम परा मनोवैज्ञानिक पैरा साइकोलॉजी का कहते हैं, उस दृष्टि के भी अध्ययन, लेकिन ये सब हाशिए पर है, ये कहीं हल्के से उल्लेख आ जाता है। एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, अतीन्द्रिय प्रत्यक्ष, ये सब पर अध्ययन है लेकिन वो कहीं ऊपर विशेष रूप से ध्यान नहीं दिया है। और मनुष्य को वस्तुतः एक यंत्र के रूप में देखने का प्रयास है तो एक मैकेनिकल मॉडल का उपयोग वहां पर किया जाता है, यह हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब इस पृष्ठभूमि में जो विकास हुए हैं
उनमें एक बहुत बड़ा विकास है कि तमाम सारे रोगों का, मानसिक रोगों का बड़े विस्तार में अध्ययन जो है वो हुआ है और उन रोगों की मात्रा भी खूब बढ़ी है। समाज में विश्व के स्तर पर असंतुष्टि भी बहुत बड़ी है। भौतिक साधनों का विकास कैसे किया जाए इस पर हमने ध्यान दिया, कितना संचय किया जाए, इसका उपयोग ज्यादा से ज्यादा हम अपनी रोगता की प्राप्ति का भी हमने विस्तार किया। तो ये सब एक प्रकार के भौतिकवादी मॉडल का विकास और उसी का प्रख्यापन कहिए, आख्यान कह लीजिए, विस्तार कह लीजिए, उस विज्ञान में उपलब्ध है। मैं इसका उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं कि वह एक प्रकार की दृष्टि है जो हमको कहीं पर ले जाती है। उसके अपने कुछ सकारात्मक पक्ष हैं तो कुछ बहुत सारे नकारात्मक पक्ष भी हैं। अब आइए भारतीय मनोविज्ञान के ऊपर। भारतीय मनोविज्ञान हम जब कहते हैं तो हमारे मन में एक तरह का दुविधा का प्रश्न खड़ा होता है। एक तो ये कि जो कुछ पश्चिमी परंपरा में हो रहा है उसे ध्यान में रख करके हम देखें कि क्या उसके अनुरूप या उससे भिन्न किस प्रकार का ज्ञान हमारे यहाँ उपलब्ध है। दूसरा प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि क्या इसका कोई स्वतंत्र विकास हुआ है, उसको ध्यान में रख करके आप एक तरह का पैरेलल खड़ा करें, उसी के समानांतर उनके यहाँ यह है तो हमारे यहाँ यह है, उनके यहाँ यह है तो हमारे यहाँ यह। अब एक और बात है, तीसरी बात, कि पूरी तरह से भिन्न है या पूरी तरह से समानांतर वैसा ही है। शायद सत्य यह है कि मनुष्य के रूप में बहुत सारे प्रश्न जिस स्तर पर वहां उठाए गए हैं और जो महत्व वहां दिया गया है और जिस प्रकार का महत्व हमने दिया है वह उसमें समानता भी है और उसमें भिन्नता भी है। और एक जो समानता और भिन्नता का को जो सबसे बड़ा जो आधार मुझे लगता है वो ये है कि धर्म का एक बड़ा संकुचित अनुवाद है रिलीजन, जो वस्तुतः पंथ से जुड़ा हुआ है और उसका ज्ञान से बड़ा ही उल्टा सीधा संबंध था और इसके कारण सेकुलर कह करके जिसका गलत अनुवाद हम धर्म निरपेक्ष करते हैं उस दृष्टि से एक विरोध वहां पर खड़ा हुआ और हर चीज को वैज्ञानिक बनाने की परंपरा शुद्ध तो धर्म और विज्ञान में वहां बड़ा भेद है। लेकिन हमारे यहाँ की जो चिंतन परंपरा है वह कुछ भिन्न प्रकार की, वहां पर धर्म जो है वह एक व्यापक अर्थ वाला प्रत्यय है या विचार है और ज्ञान का और धर्म का कोई विद्वेष नहीं है, ऐसा मेरा विचार है। इसलिए यहां पर धर्म और विज्ञान आपस में उनका ग्रंथ बंधन है। ज्ञान भी धर्म के अनुरूप होना चाहिए और धर्म जो है वह सबका नियामक है। धर्म बहुत ही व्यापक शब्द है और आशुतोष जी और हमारे सभी मित्र इसकी व्यापकता से परिचित हैं। तो भारतीय मनोविज्ञान शब्द, मनोविज्ञान कहने से हमारा ध्यान आधुनिक मनोविज्ञान की ओर जाता है और यह केवल मनोविज्ञान नहीं है, शायद मानस शास्त्र ज्यादा ठीक हो सकता है ऐसा मुझे प्रतीत होता है। और मानस शास्त्र भी अपने आप में इस तरह का इस शब्दावली के साथ कोई शास्त्र हमें तो नहीं दिखाई देता। इच्छाएं तो बहुत सारी थी, उपनिषद में भी आप पाते हैं कि मन के बारे में बहुत सारा विचार है, बहुत सारी चर्चा है, मन की शक्तियों के बारे में चर्चा है,
मन से जुड़ी हुई जो प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में चर्चा है, और जो विभिन्न शास्त्र हैं उनका जो विकास हुआ है वहां भी मानसिक प्रक्रियाओं को यदि आप ध्यान दें तो बड़ा महत्वपूर्ण चिंतन हमारे पास उपलब्ध है। तो भारतीय मानस शास्त्र विकसित करना है तो उसका आधार हमारी ज्ञान परंपरा में उपलब्ध है और वह अत्यंत व्यापक है और उसका आरंभ वहां से होना चाहिए। मानव मन की जो गवेषणा है उसको यदि ध्यान दिया जाए तो बहुत सारे ऐसे विषय हैं जो कहीं पश्चिमी ज्ञान से अधिक व्यापक रूप में हमको परिचय दिलाते हैं, और उनको यदि देखा जाए तो जिसकी एक झलक आशुतोष जी ने हमारे समक्ष प्रस्तुत की थी, और वहां पाएंगे कि चैतन्य जो है, चेतना, जिसका एक व्यापक रूप है हमारे चिंतन में, वह मुख्य आधार के रूप में परिलक्षित होता है। ध्यान दीजिए, कॉन्शियसनेस जिसका अनुवाद चेतना किया जाता है, और कॉन्शियसनेस का जो मनोविज्ञान में अध्ययन है उसमें भी भेद है, क्योंकि कॉन्शियसनेस ऑफ अर्थात हम बैठे हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, तो हमको आपकी चेतना है, तो यह कॉन्शियसनेस ऑफ हुई। किसकी चेतना है, स्वयं में चेतना क्या है, यह विषय वहां पर उतना महत्वपूर्ण नहीं है। और वहां पर हम किसी वस्तु पर ध्यान दे रहे हैं, हम अटेंशन पर बहुत सारा आधुनिक मनोविज्ञान में अध्ययन पाते हैं, वहां पर यही मुख्य प्रश्न है कि हम चीजों को अपने ध्यान के केंद्र में ले आते हैं और क्या क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, क्या क्या उसकी सीमाएं हैं, क्या क्या उसके परिणाम हैं, वह एक पक्ष है। फिर वहां पर वही वस्तुवादी दृष्टिकोण ही प्रमुख हो जाता है। एक और बात मैं यहाँ पर, क्योंकि बार बार मैं वस्तु की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं कि ज्ञान का एक पक्ष है जो कि थर्ड पर्सन, आपने कुछ प्रश्न पूछा, किसी ने कुछ बताया, फिर उसके ऊपर आपने विचार किया, सैंपल लिया, पॉपुलेशन लिया, आधुनिक दृष्टि से ये थर्ड पर्सन वाला अप्रोच है, उसे ज्ञान मिला। और फर्स्ट पर्सन अप्रोच है कि आप स्वयं अपना अनुभव करिए, और अनुभव जो आपका हो यह फर्स्ट पर्सन अप्रोच हुआ। भारतीय चिंतन में जब चैतन्य की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन का जो अप्रोच होता है वह होता है, और यहां पर उस चैतन्य पर ही अधिक विचार किया जाता है। और जब भारतीय मनोविज्ञान कहते हैं तो उसके कई अर्थ हो जाते हैं, भारत में रहने वाले लोगों का विज्ञान मनोविज्ञान, और पश्चिमी दृष्टिकोण से भारतीय लोगों का जो अध्ययन किया जाए, जो किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, अधिकांश एमए की डिग्री जो मनोविज्ञान में होती है वो उसी प्रकार की होती है। तो वहां जो दृष्टि है वह एक बड़ी सीमित दृष्टि है। तो चैतन्य का जो अनुभव है वह एक भिन्न प्रकार का है। हमारे पास समय सीमित है, लेकिन अगर भारतीय दृष्टि से जो चिंतन है, जिसमें जिस चैतन्य की बात, जिस सत चित आनंद की बात की जाती है, जिस चक्र वाले संरचना की बात की जाती है, या आशुतोष जी ने हम लोगों के सामने पंचकोश की संरचना रखी थी, तो शरीर से लेकर के और आनंदमय कोश तक, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, ज्ञानमय कोश,
मनोमय कोश और आनंदमय कोश तक की जो यात्रा हमारी है वह किस प्रकार की संरचना की बात करता है, वो भिन्न प्रकार की संरचना, वो भिन्न प्रकार के संगठन की बात करता है। तो एक चैतन्य युक्त प्राणी, यहां जो अध्ययन है वह जीव का अध्ययन है, चेतना का जो साकार रूप है, और पूरे जहां तक मेरी समझ जाती है जितने भी दर्शन है जो आस्तिक दर्शन है, अंशतः जो नास्तिक कहे जाते हैं उनका भी, उन सबका जो मूल प्रश्न है वह प्रश्न यही है कि किस तरह से मुक्ति प्राप्त की जाए। और यह मुक्ति जो है वह क्लेशों से मुक्ति का प्रश्न है, दुख से मुक्ति का प्रश्न है, और मुक्ति और क्लेशों से मुक्ति को जोड़ा गया कि यह आत्म साक्षात्कार से जुड़ा हुआ है, सेल्फ रियलाइजेशन से जुड़ा हुआ है, आत्मबोध से जुड़ा हुआ है। और चाहे आप गीता का अध्ययन करें, योग का अध्ययन करें, इन सब में अज्ञान को दुख का कारण स्थापित किया जाता है। तो जो एरर है, जो त्रुटियां हैं, उनको कैसे हटाया जाए, कैसे दूर किया जाए, कैसे उसका निवारण किया जाए, उसके माध्यम के रूप में ज्ञान योग भी है, भक्ति योग भी है, कर्म योग भी है, और अन्य भिन्न प्रकार के योग भी है। अष्टांग योग भी हमारे सामने यही उपस्थित करता है। यम को आप देखिए, नियम को देखिए, आसन प्राणायाम प्रत्यय इन सबको आप देखिए, तो इसमें चैतन्य के परिष्कार का प्रयास है। और यह यम तो पूरे के पूरे समाज के साथ लोक में जीवन कैसे व्यतीत किया जाए इससे जुड़ा हुआ है। सत्य अहिंसा अस्तेय अपरिग्रह ब्रह्मचर्य इन सबका संबंध संबंधों से है, अन्य मनुष्यों से है, जीवन से है। तो ऐसा नहीं कि यह सारा का सारा चिंतन जीवंत जो जीवन की जो परिधि है उससे परे है, पारलौकिक है। यह एक विचार का प्रश्न है। जैसा कि आशुतोष जी आप सब लोग जानते हैं कि अविद्या और विद्या दोनों ज्ञान के क्षेत्र हैं। भौतिक ज्ञान के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको अविद्या में रखा जाता है, परा अपरा विद्या की बात की जाती है। तो ज्ञान का विस्तृत क्षेत्र है जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो एक मनुष्य के रूप में चैतन्य का जो साकार रूप है और जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुबंधों के कारण, कॉन्टिंजेंसीज के कारण, भिन्न भिन्न प्रकार की कंडीशनिंग जो उसकी हो जाती है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के मोह जो है उसको घेरने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, उनको कैसे तोड़ा जाए, उन्हीं के रूप हो जाते हैं। मोह भी है, लोभ भी है, ये सारे के सारे जो है आविष्कार उसी के अंतर्गत होते हैं। तो समस्या यह है कि इनसे कैसे मुक्त हुआ जाए। जो भिन्न भिन्न प्रकार के क्लेश की बात होती है, अविद्या का, अभिनिवेश का, ये सारे के सारे राग द्वेष, सारे के सारे कैसे दूर किए जाए। तो जो अप्लाइड इंडियन साइकोलॉजी अगर अंग्रेजी में कहें, या अनुप्रयुक्त मानस शास्त्र जो है, वह इनको भिन्न भिन्न स्तरों पर इन बेड़ियों को काटने के लिए क्या माध्यम इनके परिष्कार की और अपने स्वयं के जो जो स्वरूप है उसको समझने का क्या माध्यम हो सकता है, इसको समझने का उपाय जो है प्रदान करता है। तो अप्लाइड इंडियन साइकोलॉजी का जो उद्देश्य है वह इस जीवन में जीवन जीते हुए जीवन मुक्त रूप में कैसे रहा जाए। योग वाशिष्ठ का अगर आधार लिया जाए तो जीवन मुक्त जो व्यक्ति है वह महाकर्ता है,
महाभोक्ता है, वह ऐसा व्यक्ति है वह जो कि अगर आप देखें इच्छा क्रोध भय मोह इन सब संक्षिप्त नाम दे दिया गया स्थित प्रज्ञ। अगर व्यक्तित्व के विकास का सबसे चरम उत्कर्ष कहा जाए पराकाष्ठा अगर कहा जाए तो वह स्थित प्रज्ञ की स्थिति है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभवों को अनुभव के रूप में ग्रहण करता है, अनुभवों से ग्रस्त नहीं होता है, हर्ष और विषाद दोनों से वह ग्रस्त नहीं होता। आशुतोष जी तो परिचित होंगे ही, आप में से और लोग भी परिचित होंगे, अभिनव गुप्त जो गीता पर टीका लिखते हैं तो वह शुरू में ही कहते हैं कि जो शरीर है वह कुरुक्षेत्र है, कुरु जो हमारे बहुत सारे कर्मेंद्रिया है ज्ञानेन्द्रिया है करण है उन सब का क्षेत्र है, उनका संपादन होता है, और कैसे उसको धर्म क्षेत्र में बनाया जाए ये सारा परिवर्तन कैसे कि क्षेत्र कैसे आप होंगे, तो इस ये जो द्वंद्व हमारे सामने है इससे कैसे दूर हटा जाए। आप यह देखें कि जिन विभिन्न शास्त्रों का प्रतिपादन किया गया है तमाम तरह के शास्त्र हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के दर्शन भी हैं, और यह भी एक महत्व की बात है कि हम जब ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान का मुख्य उद्देश्य जो है वह यही है कि वह मुक्त करता है, वह मोक्ष प्रदान करता है, वह हमको भिन्न भिन्न प्रकार के कष्टों से मुक्ति दिलाता है। और ज्ञान का स्वरूप क्या है इस पर भी बहुत सारी चर्चा है, और यह भी है कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए, ज्ञान की प्रक्रिया कैसे हो, तो वाद और विवाद कैसे किया जाए उसकी भी पूरी प्रक्रिया विकसित है। यह भी है कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रमाण है उन पर भी विशद चर्चा हमारे यहाँ उपलब्ध है कि प्रत्यक्ष भी है अनुमान भी है शब्द प्रमाण भी अपने यहाँ है, तो भिन्न भिन्न प्रमाणों का उपयोग भी है, तो ज्ञान है और ज्ञान की विधियां भी है, इस जगत के ज्ञान की भी विधियां है और इस के परे जो जिसे स्पिरिचुअल कहा जाता है आध्यात्मिक कहा जाता है उस ज्ञान की विधियां भी हमारे यहाँ उपलब्ध है, जिन्हें हम एक प्रकार से साधना का नाम देते हैं। तो इस साधना में इस शरीर का क्या स्थान है यह भी महत्वपूर्ण है, शरीर जो है वो साधना का एक उपाय है, एक आधार है जिसका उपयोग किया जाए, और यह भी कि आप प्राणायाम को अगर आप देखें तो किस प्रकार से प्राण का जो भिन्न भिन्न प्रकार के प्राण हैं उनका नियमन करके किस प्रकार का परिवर्तन उपलब्ध होता है, उसका अस्तित्व से संबंध है, उसका स्वास्थ्य से संबंध है, और यह भी एक गंभीर विचार का प्रश्न है कि जो एक बड़ी भारी बात बार बार जगह जगह आती है, तीन गुणों की बात आती है, सत्व गुण की बात आती है, रजोगुण की बात आती है, तमोगुण की बात आती है, और प्रकृति इन्हीं सारी गुणों के माध्यम से किस किस प्रकार का सब कुछ घटित तो होता है, और हम अपने आप को कैसे उसका स्वामी अहंकार के वश में आकर के कर्ता मान बैठते हैं जबकि हम कर्ता नहीं है, यह ज्ञान कैसे हो, इसका अनुभव कैसे हो, इसकी भी पद्धति अपने आप विकसित हुई है। तो मैं समझता हूं कि जहां तक अनुप्रयुक्त एप्लाइड का प्रश्न है वहां पर उन विभिन्न पद्धतियों का उपयोग जिनके माध्यम से ये ज्ञान के ऊपर जो आवरण है और जो अपने स्वयं का जो स्वरूप है जो हमें स्पष्ट नहीं है भ्रम पैदा हो गया है उसको कैसे दूर किया जाए,
यह जो है एक मुख्य प्रश्न के रूप में हमारे सामने उपस्थित तो होता है, और भिन्न भिन्न प्रकार की जो हमारी संरचनाएं हैं जिनके आधार पर हम अपना वस्तु जगत से संबंध स्थापित करते हैं, बाहर की ओर, वह तो एक दिशा है। बाहर की ओर की जो बहिर यात्रा है वह तो एक प्रकार की है, मगर जो अंतर यात्रा है, अंतरंग यात्रा है, वैसे तो योग में भी बहिरंग और अंतरंग कहा जाता है, इस अंतर यात्रा और बहिर यात्रा के बीच में संतुलन कैसे स्थापित किया जाए, यह आज के मनुष्य की समस्या है। तो मैं समझता हूं कि भारतीय मनोविज्ञान में या भारतीय मानस शास्त्र में, चाहे आप आयुर्वेद का वह आधार ग्रहण करें और जो जीवन के संस्कृति के विभिन्न जो पक्ष हैं उनको अगर आप ध्यान में लें, तो वहां भी आप पाएंगे कि इस जो आत्म स्वरूप है उसको कैसे समझा जाए। यह जो सेल्फ रियलाइजेशन है, यह जो आत्मबोध है, वह भारतीय मानस शास्त्र का उद्देश्य बनता है, और उस उद्देश्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके माध्यम क्या क्या है, उसके जो फुटकर, उसके जो विभिन्न अंश हैं, ज्ञान भी है, कर्म भी है, भावना भी है, जो भिन्न भिन्न प्रकार के भावनात्मक विस्तार में हम गए हैं, जिसे अंग्रेजी में इमोशन कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब भाव और भाव की प्रतीति और रस का अनुभव, यह अपने आप में एक बड़ा विस्तृत क्षेत्र है जिसका विलक्षण विस्तार अभिनव गुप्त ने किया है। साहित्य शास्त्र में बड़ा विस्तृत विवेचन भावों का, उनकी अभिव्यक्ति किस प्रकार होती है, जीवन में उसका सन्निवेश किस प्रकार होता है, और अंत में तो कहते हैं कि ब्रह्मानंद सहोदर तक की बात की जाती है। तो कहने का अर्थ यह हुआ कि हमारे जीवन के जो भिन्न भिन्न पक्ष हैं, चाहे वह भाव का हो या कर्म का हो या ज्ञान का हो, आप जिसे इच्छा, ज्ञान, कर्म, उनके पारस्परिक जो संबंध हैं। एक और बात विचारणीय है यहाँ पर कि भारतीय चिंतन कितने प्रकार के हैं और कितनी डाइवर्सिटी उसमें है, यह बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। जो षड दर्शन हैं उनमें जिन प्रकार की व्याख्यान की पद्धति है, आख्यान की पद्धति है, समझने का तरीका है, उसमें भी भिन्न भिन्न प्रकार से चर्चाएं हमको प्राप्त। तो मैं समझता हूं कि भारतीय चिंतन में स्थापित जो मानस शास्त्र है उसके उद्गम के स्रोत अनेक हैं। वेद में उपलब्ध है, उपनिषद में उपलब्ध है, वो आपको महाभारत में भी उपलब्ध है, आप भिन्न भिन्न शास्त्रों में भी उपलब्ध है, इतनी प्रचुर सामग्री उपलब्ध है जिसका कोई ठिकाना नहीं। उसमें बहुत सारे रचनों को खोजने का काम अनेक लोगों ने किया है, आशुतोष जी पिछले अनेक वर्षों से उसके विभिन्न पक्षों को लेकर के उन्होंने देखने का प्रयास किया है। भाषा, व्यवहार और चिंतन, इनका पारस्परिक संबंध, वाक का क्या स्वरूप है, प्रतिभा का क्या स्वरूप है, तो ये तो आकर है, ये ऐसी खान है, और इसमें क्या क्या उपलब्ध है, ये तो ये अकल्पनीय है, इतना विस्तृत है, इतना व्यापक है, इतना गहरा है, जिसको समझने के लिए तो अनेक जीवन की जरूरत है, एक जीवन पर्याप्त नहीं है। ये अलग प्रश्न है कि हमने अपने आप को उससे बड़ा दूर कर रखा है, और उन शब्दों से, उन मुख्य जो शब्द हैं उनके विस्तार की तो बात ही आप सोच।
और कितना विस्तृत रूप है और उसके स्वरूप को अगर आप देखें तो आप यह पाएंगे कि बड़ी विचित्र परंपरा है कि सूत्र भी है उसके ऊपर भाष्य भी है, फिर महाभाष्य भी है, टीकाएं भी हैं, और उन सबको देखने का और सजोने का बहुत बड़ा दायित्व तो हम लोग के ऊपर है कि उनमें से ऐसे जन समाज के लिए जो इनमें से छन करके इसका जो बड़ाई विकृत रूप कह लीजिए, बदला हुआ रूप कह लीजिए, भिन्न भिन्न रूप से कुछ आवासों के रूप में आज भी हमारे सामने उपलब्ध है, बदलते रूप में उपलब्ध है, कड़ियां बीच में बहुत सारी टूट गई हैं, और उन सबको ग्रहण करना, उन सबको पकड़ना एक जटिल चुनौती है, लेकिन मनुष्य को इस चुनौती को स्वीकार करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूं कि हमारे लिए केवल भौतिक व्यवहार के रूप में दूसरे के व्यवहार को अध्ययन करने के रूप में जो पश्चिमी ज्ञान की मनोविज्ञान की परंपरा है उसको आंशिक रूप में ही हमें देखना चाहिए, वह पूर्ण नहीं है, और उसका मुख्य कारण यही है कि वह अनुभव को, वह चैतन्य को महत्व नहीं देती। यदि चैतन्य को हम महत्व देते हैं और आध्यात्म को महत्व देते हैं, आत्मान्वेषण को महत्व देते हैं, मैं इसलिए इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं यह हमारे मन के जो विपरीत संस्कार हो रहे हैं उनको रोकने के लिए भी जरूरी है, हमारे अस्तित्व के लिए भी जरूरी है, हमारे परिष्कार और हमारे विकास के लिए भी जरूरी है, क्योंकि कहा गया है अजरा अमरवत प्राज्ञ विद्यामर्थ्य चिंतये गृहीति वकेशेषु मृत्युना धर्ममाचरे। तो धर्म की परिधि में ही हमें आचरण करना चाहिए, उसी की परिधि में काम का भी सेवन हो, उसी की परिधि में विद्या का भी सेवन हो, ज्ञान का भी सेवन हो। भारतीय मनोविज्ञान या भारतीय मानस शास्त्र के रूप में जिस संकल्पना की योजना हमारे सामने हमारे स्वर आशुतोष जी लेकर के चल रहे हैं, उसके अनेक आयाम हैं और अनेक स्तर हैं। जिस व्यक्ति और स्व को केंद्र में रखकर वृत्त और परिधि और उसमें भिन्न भिन्न तत्वों को उन्होंने रखने का प्रयास किया था, वह एक अत्यंत मैं कहूंगा कि बोधगम्य, या ये भी कह लें, बड़े पंडित लोग कहेंगे कि उसका सरलीकृत रूप है कि मनुष्य का जो अस्तित्व है वह कैसे इन रचनाओं के साथ जुड़ता है और कैसे वह अपने आचरण को निर्धारित करता है, वह एक विचारणीय प्रश्न है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक शब्द है इज अर्थात क्या है, और एक है आर्ट क्या होना चाहिए। पूरा जो मनोविज्ञान है वह इंपिरिकल कहता है, इंद्रियानुभविक कहता है, और वहां पर इज के आधार पर आर्ट को लिया जाता है। वहां पर सैंपल लेकर के और नार्म बनाया जाता है कि सब लोगों में कितने लोग क्या कह रहे हैं, उसको मानक मान लिया जाता है। एक विचारणीय प्रश्न है, हम जिन मूल्यों की बात करते हैं, मैं बड़ी गंभीरता से और जिम्मेदारी से यह कहना चाहता हूं, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कहा है
ध्यान दीजिएगा कि सत्य अहिंसा अस्तेय और परिग्रह ब्रह्मचर्य ये महाव्रत हैं। और यह भी लिखा है यह जाति धर्म स्थान काल से भिन्न सार्वत्रिक है, पर है जो कि सार्वत्रिक है, सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है, शाश्वत है, जो किसी एक देश विशेष काल विशेष के लिए नहीं है। आप देखिए सत्य और अहिंसा और अद्भुत है। आप योग सूत्र को आगे पढ़े तो उसी में आगे ये दिया हुआ है कि यदि सत्य का पालन करते हैं तो आप जो कहेंगे वह होगा। अगर आप अहिंसा का पालन करते हैं तो अवैर की स्थिति उत्पन्न होती है। अस्तेय का पालन करते हैं तो सारे रत्न आपको उपलब्ध हो जाते हैं। आप देखें इस महर्षि के वचनों में बहुत बड़ा सत्य छिपा हुआ है। तो महाव्रत जो कि सार्वभौम है, जो कि सर्वत्र जिनका उपयोग होना चाहिए, ऐसे आधार हमारे पास उपलब्ध हैं। वे वो इंपेरिकल ट्रूथ वाली बात नहीं है कि मानक नॉर्म आप बना दीजिए उसके आधार पर ऊपर नीचे आप तय कर लीजिए कि अच्छा है। नॉर्म का अर्थ होता है ज्यादातर लोग क्या कह रहे हैं। ज्यादातर लोग गलत कह रहे हैं तो सही हो जाएगा, मगर होता यही है। आप देख लीजिए जीवन में किस प्रकार का आचरण हो रहा, कैसे सरकारें बनती हैं, गिरती हैं, क्या क्या होता है। तो सत्य अहिंसा ऐसे तत्व हैं जिनका बड़ा भारी आधार है। और यह भी याद रखने की बात है, हम सब लोग बड़े सामान्य प्राणी हैं और इस लोक में रह करके अपने आप उसी के अनुसार हमने अपने को ढाला है। सत्य हिंसा अस्तेय और परिग्रह इन सबका पालन करते हुए कम से कम एक आदमी तो है जिसको हम याद करते हैं, जिसका नाम महात्मा गांधी है, जिसने अपने जीवन में इनको उतारने का वस्तुतः प्रयास किया, जिसका नाम उन्होंने दिया सत्याग्रह। वह सत्याग्रह पहली बार दक्षिण अफ्रीका में एक दिन, दो दिन, दो दिन, तीन दिन नहीं, 8 साल उन्होंने सत्याग्रह किया था। और सत्य को तलाशना उनके जीवन का उद्देश्य था। आत्मकथा के अंतिम भाग में वह शायद अंतिम पृष्ठ पर वो कहते हैं कि मुझे सत्य के पूरे दर्शन तो नहीं हुए, उसकी कुछ झलक हमको मिली है। वह यह भी कहते हैं कि ईश्वर का नाम सत्य नहीं है, सत्य ही ईश्वर है। सत्य अर्थात जिसका अस्तित्व है, सत्य जो शिव है, सत्य जो कल्याणकारी है, सत्य जो आनंद स्वरूप है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। अब उस स्वरूप को तिमिराच्छन्न होने के कारण, तमाम तरह के आवरणों के कारण हम नहीं अनुभव कर पा रहे हैं। तो उस तिमिर को काटना, उस अंधकार का छेदन करना, यह भारतीय मानस शास्त्र का उद्देश्य है। जो तमाम प्रक्रियाएं हैं, जो आत्मशोधन की, आत्म परिष्कार की, जिसकी आवश्यकता है, हम सबका अध्ययन करते हैं। पूरा भारत जो आधुनिक मनोविज्ञान है वह अध्ययन करता है, दूसरे का अध्ययन करता है,
अपने आप को अध्ययन का विषय बनाने की हिम्मत नहीं है उसकी, वह आत्मा अध्ययन का विषय नहीं है, सेल्फ स्टडी सेल्फ इंक्वायरी का विषय नहीं है, यह विचारणीय प्रश्न है। वहां सेल्फ कॉन्सेप्ट तो है, उसके मापन भी किए जाते हैं, हम आपको दे देंगे एक परीक्षण और कि आप अपने को क्या क्या समझते हैं, और आपने नोट कर लिया एक हद तक वह अहंकार का कुछ पक्ष है, और वह इतना केंद्रीय हो गया है उसके नाना पक्षों का अध्ययन हो रहा है और उसकी केंद्रीयता दिखाई दे रही है कि किस तरह वह प्रभावित करता है। मगर इस आत्मबोध इस अंतर यात्रा जो कि आत्म परिष्कार की के लिए आवश्यक है, इधर ध्यान कैसे दिया जाए, मैं समझता हूं भारतीय मानस शास्त्र के लिए यह आवश्यक होगा। यदि हम इस प्रकार के भारतीय मानस शास्त्र की संकल्पना करते हैं तो उसकी रूपरेखा कुछ इस प्रकार की होनी चाहिए। चैतन्य उसका जो स्वरूप है उसका विश्लेषण, मानस और शरीर इसका जो पारस्परिक संबंध है माइंड बॉडी कॉम्प्लेक्स, उसके क्या परिणाम है, आत्म व्यक्ति व्यक्तित्व इनका पारस्परिक स्वरूप पारस्परिक संबंध क्या है, संज्ञान कॉग्निशन भाव जिसे आप इमोशन कहते हैं, संवेग जिसे कहते हैं, और ध्यान की पूरी जो टेक्नोलॉजी है मेडिटेशन जिसे आप कहते हैं, जो समाधि का रूप है, इसमें मैं कहूंगा कि ध्यान भी है प्रत्याहार भी है धारणा भी है, इनका विस्तृत अध्ययन भी उसका अंश होना चाहिए। आत्मानुभव आत्मबोध का क्या स्वरूप है, कौन कौन उसके पथ हैं जिनके द्वारा उधर हम आगे बढ़ सकते हैं, और व्यक्ति और समाज का व्यक्ति और परिवेश का पारस्परिक संबंध किस प्रकार का होना चाहिए, यह हमारे लिए बड़ा गंभीर प्रश्न है। प्रकृति का हम उसके अंग हैं उसके अवयव हैं, आज हमारे सामने जीवन की बड़ी भारी समस्याएं खड़ी हो गई हैं, और वह भी आत्मबोध का पक्ष है कि हम अपने आप को प्रकृति से इतना भिन्न मान लेते हैं और प्रकृति और अपने बीच का जो एक निरंतरता है उसको खंडित करके और प्रकृति के ऊपर नियंत्रण करना, उसको नष्ट करना विनष्ट करना अपने ढंग से बना, वह भी एक समस्या हमारी खड़ी हुई, वह भी हमारे आत्मबोध का प्रश्न। तो मैं समझता हूं कि ये कुछ पक्ष हैं जिन पर हमें अनुप्रयोगात्मक ढंग से अप्लाई ढंग से विचार करने की आवश्यकता है। अंत में मैं स्मरण करूंगा ईश्वर का, यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। धन्यवाद। ये मेरे कुछ विचार थे, छूट विचार थे, यह विषय बड़ा गहन है और इसके विशेष रूप से मानस और अंतःकरण के पक्ष के ऊपर कल हम लोग चर्चा करेंगे, और मैं अभी यहीं विराम लेता हूं और आगे आपके जो प्रश्न हैं टिप्पणियां हैं उनका स्वागत होगा। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर, बहुत बहुत आप जितने आपने ये सारी बातें हमारे साथ साझी की हैं वो वाकई प्रशंसा के योग्य हैं, और कई आपने ऐसे कोनों की ओर मेरी दृष्टि को अग्रसर किया है जो मेरे ध्यान में नहीं थी। ये जो मानस शास्त्र शब्द आपने प्रयोग किया है इसके विषय में मेरा ध्यान पहले गया था, और पर्टिकुलरली मोनियर विलियम्स ने जो इंग्लिश संस्कृत डिक्शनरी है उसमें इसका अनुवाद इसी प्रकार से किया है मानस शास्त्र,
लेकिन जैसे जैसे मैंने आगे इसमें बातचीत की तो मैं उससे कुछ बहुत संतुष्ट नहीं हो पा रहा था, लेकिन आपने जिस तरह से इन रूपों को, इन सारे बात को व्यवस्थित रूप में हमारे सामने रखा है, मुझे लगता है कि ये पर्याप्त सही अनुवाद हो सकता है। इसके साथ मैं एक दो बातें और करके प्रश्न आमंत्रित कर रहा हूँ, टिप्पणियां भी आमंत्रित कर रहा हूँ, और मैं ये डॉक्टर साहब आपके सामने प्रस्तुत ये भी करना चाहता हूँ कि जिस वक्त हम लोग काम कर रहे थे तो मानवीय व्यवहार के परिभाषीकरण का बहुत सारी सामग्री हमारे पास उपलब्ध है जी, कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, ऐसा स्वाभाविक लोक व्यवहार सिद्ध है। ये सारे जो मैंने ये कोटेशन दी हैं केवल हिंदी में इसलिए यहाँ पर दे दी हैं कि क्योंकि बहुत सारे लोग संस्कृत से परिचित नहीं होते, तो जैसे कि इंद्रियों के बिना प्रत्यक्ष आदि व्यवहार संभव नहीं है और देहाधिष्ठान के बिना इंद्रियों का व्यवहार संभव नहीं, पशु आदि से ये बात जो है ये बड़ी सामान्य, आप लोग सब क्षति जब पढ़ते होंगे तो उसमें ये बात आती है, पशु आदि से मनुष्य का व्यवहार विशेष भिन्न नहीं है, जैसे कि शब्द आदि का स्रोत से संबंध होने पर, शब्द आदि के विशिष्ट ज्ञान के प्रतिकूल होने पर अब मनुष्य प्रतिनिवृत्त हो जाते हैं और अनुकूल होने पर दोनों प्रवृत्त हो जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मेरे सामने आई, लेकिन जो विशेष रूप से आपके सामने मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ, हालांकि ये भी हमने काम किया कि जो व्यवहार आश्रित भेद हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, शरीर आधारित, अवस्था आधारित, जाति आधारित, इन सब के प्रमाण, शास्त्रीय प्रमाण जो हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनके ऊपर आगे मुझे लगता था कि काम किया जाए, लेकिन वो फिर आगे हो नहीं पाया जी। बस एक मैं अंतिम बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ आप सभी के मूल्यांकन के लिए, कि देखिए शास्त्रीय परंपरा में हमारे पास जो मानवीय व्यवहार के भेद उपस्थित होते हैं उनकी संख्या, शास्त्रीय संख्या जो है वो 5184 तो गिने हुई उपलब्ध होती है। वो किस प्रकार से, वो सारे का सारा ये मैंने यहाँ पर वो कैलकुलेशंस दे रखी हैं कि आप जब आप मनुष्य का जब स्त्री पुरुष में भेद करते हैं, फिर उसका गुणन 8 प्रकार से होता है, और फिर उनका 3 धर्मों के साथ उसको मल्टीप्लाई करते हैं आदि आदि, वो पूरी एक प्रक्रिया है। उन सारी प्रक्रियाओं को जब आप व्यवस्थित कर लेते हैं तो आपके पास जो संख्या आती है वो मानवीय व्यवहार की तो गिनी हुई संख्या आती है 5184। अब हम लोग इनके ऊपर क्यों नहीं काम करते, पीएचडी के थीसिस, रिसर्च प्रोजेक्ट्स इन भेदों के ऊपर क्यों नहीं करते और फिर उनको सुस्थापित करें, उनके ऊपर प्रश्नावलियां बनाएं, उनके ऊपर चर्चा करें, लेकिन उनके ऊपर नहीं होती और एक सामान्य सी बातचीत करके हम समाप्त कर देते हैं। तो अस्तु, ये मैं केवल आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि शास्त्र को जब हम देखने लगेंगे तो हमें बहुत सारा ऐसा ज्ञान उपलब्ध होगा जिसके आधार पर न केवल हम एक वैकल्पिक व्यवस्था ही प्रस्तुत कर सकते हैं, बल्कि जो इस वक्त मनोविज्ञान या सोशल साइंसेस हैं उनको हम चुनौती भी दे सकते हैं। लेकिन ये हमारी अपनी कैपेसिटी पर निर्भर करेगा, हमारी क्षमता पर निर्भर करेगा, हमारी योग्यता पर निर्भर करेगा कि हम संस्कृत पढ़ करके या अपनी परंपरा की बात करके करना क्या चाहते हैं, हम प्रस्तुत क्या कर रहे हैं। केवल उसकी दुहाई देने से तो बात सुलझने वाली नहीं है। तो मैं और भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि किसी की कोई टिप्पणी है, यदि कोई अपनी बात रखना चाहता है तो कृपया रखें, और आप लोगों के लिए हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो भेज दिए हैं, और मैं पुनः आग्रह करूंगा, आप लोगों को सावधान करूंगा कि जब आप फॉर्म भरें तो कृपया नाम की जगह केवल नाम लिखें, उसके साथ लेक्चरर, प्रोफेसर ये मत लिखिएगा, नहीं तो हमारे बहुत समय व्यर्थ होता है, एनर्जीज भी वेस्ट होती हैं, उसका कोई लाभ नहीं है। तो कृपया किसी की कोई टिप्पणी है तो कृपया आप अपनी टिप्पणी रखें और हम करें। डॉक्टर मित्रा से जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा डॉक्टर मिश्रा का, जिस प्रकार उन्होंने भारतीय मनोविज्ञान और आशुतोष जी ने जिस प्रकार का प्रेजेंटेशन दिया कि केंद्र में रख के हम 16
जो अपने प्रीति को लेकर 16 बिंदुओं को से शुरू होकर और फिर अमेरिकन साइकोलॉजी से लेकर तमाम विद्वानों के जो नाम लिए और हमने एक तरह से तुलना की बहुत सारी चीजों की, महर्षि पतंजलि का भी नाम आया। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें डिफेंस मैकेनिज्म का भी एक चर्चा होती है, ठीक है, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं, मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं, सब चीजें हैं। तो डिफेंस मैकेनिज्म को हम भारतीय मत या भारतीय मनोविज्ञान की दृष्टि से हम कैसे देख पाएंगे, उसके लिए हमें क्या सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, जी मेरा प्रश्न ये। बहुत बढ़िया विचार आपने रखा है। डिफेंस मैकेनिज्म, आत्मरक्षा की जो युक्तियां हैं, यह शुद्ध रूप से जो मनोविश्लेषण की जो पद्धति है उसके सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में इसका विकास हुआ कि व्यक्ति यह प्रयास करता है कि उसके अहम को किसी प्रकार का आघात न पहुंचे। अहम को आघात न पहुंचे इसका अर्थ यह हुआ कि उसकी अपनी अहम की जो संरचना है, जो उसने स्वयं निर्मित की है कि यह मेरा है, इस पर मेरा अधिकार है, उसका अपनी जो छवि उसने बना रखी है उस छवि से वह बड़ा प्रेम करता है, उस छवि को बनाए रखना चाहता है, और वह छवि जो है यथार्थ भी हो सकती है, वह छवि अयथार्थ भी हो सकती है, लेकिन वह बिल्कुल एक रचना है, वह उस रचना को वास्तविक समझकर उसकी रक्षा का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए वह सीधा सीधा किसी को कोई उसे गाली देता है तो उसको वह मार भी सकता है, और उसके आधार पर वह अपने स्व की, अपने आत्म की, अपने अहंकार की रक्षा करेगा, उसको ऊंचाई पर रखने का प्रयास करेगा। तो नाना प्रकार की जिन युक्तियों का उपयोग वह कर रहा है वह इस आधार पर का उसके लिए वह यत्न कर रहा है। यहाँ तक कि आप देख रहे हैं आज कि तमाम लोग हत्या तक दूसरे की कर रहे हैं उसी के लिए। तो आप दूसरे की हत्या करते हैं और आप गंभीरता से देखें तो आत्महत्या भी उसी अपने स्व की, कि उसकी इज्जत राजा है, उसको कोई लोग बुरा न कहे, इसलिए उस अंधकार के अधीन होकर के। अभी आप विचार करें, आप देखें कि क्या क्या उसके परिणाम होते हैं यदि उसका वास्तविक स्व का साक्षात्कार नहीं होता है। तो यह अहंकार की रक्षा का प्रयास है, और जितने भी 15-20 उसके रूप जो है गिनाए गए हैं, और फ्रायड ने जिस प्रकार एक इड, एक ईगो और एक सुपर ईगो, इन तीन मुख्य संरचनाओं के रूप व्यक्ति को समझने का प्रयास किया, और उसकी पूरी कोशिश यह रही कि कैसे हम अपने जीवन में इस प्रकार का एक संतुलन बना सकें और कौन कौन सी इसमें कठिनाइयां आती हैं। और सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि आप जो हैं उसके अतिरिक्त आप अपने आप का आइडेंटिफिकेशन, तादात्मिकरण किसके साथ करते हैं, वह भी उसका एक आधार होता है। तो अगर अहंकार के स्तर पर आप कार्य करते हैं, अहंकार की सत्ता को कितना आप महत्व देते हैं इस पर निर्भर करेगा कि अहंकार का कितना आप उपयोग करते हैं। अहंकार हर एक के जीवन में मौजूद है, हमारे को भी प्रभावित कर रहा है, आपको भी प्रभावित कर रहा है, और कितनी भूमिका आप उसको देते हैं, कितना तुच्छ मानते हैं, हेय मानते हैं। आपका अहंकार आप नहीं है, आपकी जो वस्तुएं हैं वो आप नहीं है। तो तेरा मेरा या जो अंतर है, या मम है, या मेरा है और या तेरा है, ये जो भेद किया जा रहा है ये निचले स्तर का विकास का परिणाम है।
अगर ऊपर आप हैं तो सभी मनुष्य एक प्रकार के हैं, उससे भी ऊपर आप जाए तो सभी प्राणियों में एक ही सत्ता का वास है। तो अयम निजा परोवेति गणना लघु चेतसाम, तो आप अगर लघु चेतस के स्तर पर है, अहंकार के स्तर पर है, अहंकार के अनुरूप आचरण करते हैं, ईगो प्रभावी है तो ठीक है, तो ये विकल्प है आपके सामने कि आप किस रूप में ग्रहण करते हैं। तो मैं नहीं समझता कि जो भारतीय मानस शास्त्र है वह इस प्रकार के विचार को महत्व देगा, यह वहां पर उपयोगी है जहां ईगो को बहुत अधिक प्रभावी माना जा रहा है। पूरे भारतीय चिंतन में, लोक में भी कम से कम आदर्श के रूप में तो आज भी यही है कि अहम को विगलित किया जाए, अहंकार को समाप्त करके ही आप अपने आप को वस्तुतः पहचान सकते हैं। तो अहंकार समस्या है, उसका विनाश होना चाहिए न कि उसका पोषण, और वहां जो है उसका पोषण ही महत्वपूर्ण है, उसकी रक्षा ही महत्वपूर्ण है, वही वास्तविकता है। यह एक दृष्टि का भेद है, एक नजरिए में अहंकार केंद्र है और दूसरे में वह अनावश्यक पदार्थ है, उससे मुक्त होने की आवश्यकता है। अगर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि भिन्न भिन्न चित्त वृत्तियों से, और चित्त वृत्तियों का अर्थ तो यही हुआ है जब चीजों से आप जुड़ते हैं तो अहम का विस्तार होता है, तो इस अहम को नष्ट करना जो है यह हमारी चिंता है, यह हमारी आवश्यकता है, ये हमारे एजेंडा में है कि अहम को कैसे दूर किया जाए। अभी तो मैं इतना ही कहूंगा। जी धन्यवाद डॉक्टर। प्रोफेसर आर के गुप्ता जी, आप कुछ टिप्पणी करना चाह रहे हैं, कुछ प्रश्न है आपका संक्षेप में, ताकि हम समय को अनुकूल ध्यान रखते हुए। पहले तो आपको साधुवाद और प्रोफेसर मिश्रा जी को हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए एक निवेदन है मेरा कि आपका जो आज का कार्यक्रम हुआ है, जो प्रस्तुति दी है आपने वक्तव्य, इतना गहन विषय है, मैं ये चाहता हूँ कि कृपया इसको आप मुद्रित करवाएं, छपवाएं जरूर, ताकि हम सब तक पहुंच सके, क्योंकि तो इतना सार गर्भित व्याख्यान, वरना वो क्षणिक और सीमित रहकर रह जाएगा। मिश्रा जी का मैं बहुत ही दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उनसे निवेदन करूँगा कि वो अपने इस विचार को एक पुस्तक के रूप में यदि हमारे पास निकट भविष्य में दे सकें तो बहुत ही समाज के लिए एक बहुत। जी ये बिल्कुल उनसे निवेदन जरूर करेंगे। मैं डॉक्टर अनुभा जैन जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि क्योंकि वो आप भी काम कर रहे थे। डॉक्टर अनुभा जैन जी, मैडम आर यू लिसनिंग में? डॉक्टर अनुभा नो मैडम अनुभा सुन पा रहे हैं आप? और भी किसी की कोई टिप्पणी या कोई है तो वो कृपया आप। हाँ सर जी। सर मैं बोलना चाहता हूँ सर कुछ। जी रोहतास जी। सर मेरा एक तो पहले क्वेश्चन ये है कि मैं सुन नहीं पाया, मिश्रा जी ने 1916 में कलकत्ता में विदेशी का नाम लेते हुए पता नहीं समझाते हुए हमें बताया था, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से मैं उसको पूरा सुन नहीं पाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ कलकत्ता में किसने क्या विषय की शुरुआत की थी, वो मैं सुन नहीं पाया ध्यान से। एक तो बात मैं ये पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात मेरी ये है कि मेरा जो इस टॉपिक को सुनकर हृदय दाग दाग हुआ तो मेरे मन में ये निकला कि मन मनोविज्ञान को जिसमें मन केंद्रित है उसको इंद्रियां ज्यादा प्रभावित करती है जी, और इंद्रियों को नियंत्रित करता है परिवार कुछ हद तक, और परिवार के पास नीतियां हैं, नीतियों के माध्यम से वह परिवार इंद्रियों को नियंत्रित करता है, लेकिन परिवार की नीतियों को अंततः मन ही तोड़ता है। मन नीतियों को तोड़ता चला जाता है, तो जैसे आप बीच में आशुतोष जी कह रहे थे कि ईगल और मार्क्स का जिक्र आया था, ईगल ने द्वंद्वात्मक सिद्धांत दिया था जिसको कहा था वाद विवाद प्रतिवाद और संवाद गेहूं की माध्यम से,
और मार्क्स ने उसको आदिम समाज से लेकर वर्ग संघर्ष तक सीधा खड़ा कर दिया था। जी 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 बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मन जो हमारा है, जो परिवार की नीतियों को तोड़ता है, हमने इस पर अंकुश लगाना चाहिए और अपनी मर्यादाओं में रहकर परिवार के अनुसार जीवन जीना चाहिए, तभी जाकर हमारी इंद्रियां हमारे काबू में रहेंगी। इतना ही मुझे कहना था सर। नमस्कार। थैंक यू सर। मेरा ख्याल एक आध कोई और प्रश्न है तो वो भी साथ ही ले लेते हैं ताकि जी 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 अभी यदि और किसी की कोई टिप्पणी है तो कृपया अपने प्रश्न या टिप्पणी अपने साथ रखें। डॉक्टर नीरज आपका कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी? डॉक्टर नीरज नहीं है तो है? हाँ जी मैम कुछ आपकी टिप्पणी। जी जी मैडम नीरज आपका नहीं सर। जी जी आप अनम्यूट करें, आप बार बार उसको म्यूट कर रहे हैं। आपकी कोई टिप्पणी है? नहीं सर, स्पष्ट था सर का जो भी था। ओके ओके चलिए बहुत बढ़िया है। ठीक है डॉक्टर साहब, हाँ अंतिम टिप्पणी लेकर के फिर हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर अग्रसर होंगे। अच्छी बात है। ये 1916 और कलकत्ता का जो उल्लेख है वो थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं। 1916 में आधुनिक मनोविज्ञान की पढ़ाई भारत में कलकत्ता विश्वविद्यालय में आरंभ हुई और यह बड़ा उल्लेखनीय है कि आधुनिक मनोविज्ञान जिसे कहते हैं उसका आरंभ जिस व्यक्ति ने किया था उसका नाम है विल्हम उंट और ये जर्मनी में लिप्सिक विश्वविद्यालय में थे और उनके एक विद्यार्थी थे जिनका नाम है ह्यूगो मुंस्टरबर्ग और कलकत्ता से जो सज्जन यह पढ़ने के लिए हार्वर्ड विश्वविद्यालय में भेजे गए उनका नाम है एनएन सेन गुप्ता। तो एनएन सेन गुप्ता जो है वो मुंस्टरबर्ग के विद्यार्थी थे और वहां से ठीक वही सारी बातें पढ़ करके आए और कलकत्ता विश्वविद्यालय में 1916 में एमए की जो पढ़ाई है पाठ्यक्रम है उसका विधिवत आरंभ हुआ। तो वह ज्यों का त्यों जो वहां पर कार्य आरंभ हुआ था जो लिप्ज़िग में शुरू हुआ जर्मनी में जो मुस्टरबर्ग ने सीखा मुस्टरबर्ग से तो साक्षात वही लिप्ज़िग से हार्वर्ड और हार्वर्ड से कलकत्ता में उसका आरोपण किया गया वही पाठ्यक्रम वही विषय ज्यों का त्यों। उसका भारतीय मानस शास्त्र से कोई लेना देना नहीं था, मैं सिर्फ ये उल्लेख कर रहा था। जी, तो जी, यह एक परंपरा थी जिसका विस्तार निरंतर होता रहा है, उसकी अपनी सीमाएं हैं और अपनी उपलब्धियां हैं। जी ठीक है सर। दूसरी बात जो इंद्रिय और मन की है उस पर चर्चा कल विशेष रूप से होगी जी। और आपने जो कहा वो हमारे मित्र जो बात कर रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंद्रियों का प्रभाव है और ये बड़ी भारी लड़ाई है और महर्षि पतंजलि ने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में और बिल्कुल स्पष्टता कहा कि भैया प्रत्याहार अर्थात जो इंद्रियों की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो उससे वापस खींचो। प्रत्याहार का मतलब पीछे ले आओ अर्थात इंद्रियों के वश में नहीं इंद्रियां आपके वश में हो। और ये तो कठोपनिषद में भी है गीता में भी है तमाम इस तरह के रूपक है कि इंद्रियां जो है वह घोड़ों की तरह है और आप रथ पर सवार हो और घोड़े अगर आपको खींच के गड्ढे में ले गए या कहीं जाके लड़ गए तो आपको चोट लगेगी। तो
अगर इंद्रियों पर लगाम तो उस नियंत्रण का परिणाम होगा कि आप ठीक मार्ग पर चलेंगे, और यदि इंद्रियां जो हैं वह अनियंत्रित रहीं तो उनका दुष्परिणाम भी होता है, हम सब लोग भोगते हैं उसको। अब कोई अच्छा पदार्थ कहीं पर खाने को रखा है और आप दौड़ गए उसके लिए और पेट भरा हुआ है, फिर भी आपने उसका सेवन किया तो आपका पेट खराब होगा, नुकसान होगा आपको। तो इंद्रियों के द्वारा नियंत्रित होना और इंद्रियों पर अपना नियंत्रण रखना, यह एक द्वंद्व सबके सामने है। और प्रत्याहार में अक्षरशः इस बात को रेखांकित किया गया कि यह एक चरण है जो कि जीवन में स्थापित करने की आवश्यकता है जिसको, ताकि आप इंद्रियों से विमुख हो सकें, इंद्रियों के ऊपर आपका नियंत्रण हो। और यदि आपके ऊपर आप जितेंद्रिय अगर हैं तो सारी समस्या खत्म हो गई, सारी की सारी लड़ाई, चाहे वह बुद्ध की हो, महावीर की हो या फिर शंकराचार्य की हो, सबकी लड़ाई इसी प्रकार की है कि इन इंद्रियों का नियंत्रण कैसे किया जाए। इस विषय का जो जगत है उस जगत के साथ विवेकपूर्ण संबंध किस प्रकार का हो, यही हमारी समस्या है, यही आत्मनियंत्रण भी है। मैं इतना ही कहूंगा जी, धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सर, नमस्ते सर। धन्यवाद सर। और अब क्योंकि समापन की ओर हम अग्रसर हैं और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए संजीव जी को निमंत्रित करूं, उससे पूर्व मैं अनौपचारिक रूप से डॉक्टर साहब आपका धन्यवाद करना चाहूंगा एक दो पंक्तियों की कहानी के माध्यम से। एक साधक जो है अपने गुरु के पास गया और उसने कहा कि मेरा बड़ा उग्र स्वभाव है गुरु जी, बताएं कि मैं इसको कैसे नियंत्रित करूं। तो गुरु ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि अच्छा, अरे ये तो मैंने नई बात सुनी कि उग्र स्वभाव, अच्छा मुझे दिखाओ कि कैसा होता उग्र स्वभाव। साधक पेशोपश में पड़ गया, संकट में पड़ गया। उसने कहा गुरुजी ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि भाई हर वक्त रहता है, कभी कभी परिस्थिति वश जो है वो इस तरह का उग्रता आती है। तो तुरंत गुरु ने उनको वहीं पे पकड़ते हुए साधक को कहा कि जो कभी कभार होता है वो तुम्हारा स्वभाव नहीं हो सकता, तो इसलिए जो तुम्हारा स्वभाव नहीं है वो आरोपित है, तो उसकी ओर इस बात का केवल ध्यान रखना तो तुम्हें ज्ञान जो है वो उपलब्ध हो जाएगा। तो अगर हम इतनी भी बात ध्यान में रख लें इस मनोविज्ञान के संदर्भ में कि स्वभाव और ओढ़ा हुआ जो स्वभाव है, जो हमारे ऊपर सभ्यता के दबाव हैं, और भीतर रहने वाला जो हमारा अपना स्वभाव है, उसके भीतर अगर हम जागृति का भाव रख लें, जागरूकता का भाव रख लें, तो हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं हल हो सकती हैं। तो ऐसा मेरे इस कथा के माध्यम से मैं डॉक्टर साहब का धन्यवाद करना चाहता था। औपचारिक रूप से धन्यवाद करने के लिए संजीव जी से मेरा निवेदन है कि वो धन्यवाद ज्ञापित करें, और उसके बाद कल हम लोग पुनः मिलेंगे पूरे 10 बजे, और चर्चा का विषय जो रहेगा डॉक्टर साहब ने बता ही दिया है, और अंतःकरण, इंद्रियां और अंतःकरण और मनोभाव के कई विषय कल कवर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो संजीव जी आप जी सर, धन्यवाद जी डॉक्टर। सर्वप्रथम पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज के हमारे वक्ता डॉक्टर मिश्रा जी का, जिन्होंने हमें तमाम बिंदुओं पर जानकारी देते हुए विषय को जिस प्रकार से, जिस सरलता से समझाने का प्रयास किया है, उसके लिए मैं जो वेबिनार के आयोजक संस्थान है, प्रतिष्ठान है, उनकी तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं, और उपस्थित प्रतिभागियों का भी मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और जिस प्रकार से प्रश्न आए हैं जागरूकता और विषय के को लेकर जो रुचि बन रही है वो इस प्रकार से निरंतर बनी रहे, हम कल भी इस जो ये जो ज्ञान रूपी जो गंगा है इसमें डुबकी लगाएंगे। और आशुतोष जी के जो प्रयास हैं निसंदेह वो सराहनीय हैं,
शब्दों में उनको कहकर उनकी जो महत्ता है उसको कम करने जैसा होगा। मैं डॉक्टर आशुतोष जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार के विषय इन्होंने चुना है और तमाम प्रतिभागियों को इसको समझने और जानने का जो मौका इन्होंने उपलब्ध कराया है उसके लिए इनको बहुत सारा धन्यवाद, और विशेष रूप से डॉक्टर मिश्रा जी का मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ। कल भी हम सब लोग मिलेंगे इसी आशा के साथ, और आप सब लोग पुनः प्रतिभागी सभी लोग उपस्थित रहेंगे, और जो विषय संबंधित या इस विषय को लेकर जो रुचिकर लोग हैं उन्हें भी आप इस प्रकार की जानकारी देकर इस वेबिनार से जुड़ने का प्रयास करेंगे, ऐसी आशा के साथ, ऐसी कामनाओं के साथ मैं सभी का धन्यवाद प्रकट करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मैं प्रतिभागियों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि कल का सत्र जो है मैं चाहता हूँ कि आप लोगों के प्रश्नों से उसको आरम्भ किया जाए। अगर आपके आज के ये जो ज्ञान चर्चा हुई है इसने अगर आपको डिस्टर्ब किया है, इसने आपको भीतर से अगर थोड़ा हिलाया है, तो निश्चित रूप से कुछ एक प्रश्न अगर आप लेकर के कल आएंगे तो वहां से हम इस चर्चा को आरंभ करना चाहेंगे। निश्चित रूप से कुछ एक चीजें मैं आप लोगों के साथ पूर्व में साझी करूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब के वक्तव्य से पहले मैं चाहूंगा कि कल प्रतिभागियों के कुछ प्रश्न अगर रहेंगे तो वो एक हमारे लिए एक सुखद प्रयत्न होगा, प्रयास होगा, और सुखद अनुभव भी रहेगा। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का, सभी प्रतिभागियों का, डॉक्टर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त समय में से समय निकाला, व्यस्तता में से समय निकाला, और हमें उपकृत किया है अपने ज्ञान से, और हमें कई दिशा निर्देश दिए हैं, और प्रयास करेंगे कि हम उन दिशाओं की ओर अग्रसर होने का। और आप लोगों का सहयोग, प्रतिभागियों के सहयोग के बिना तो कोई यज्ञ पूरा हो ही नहीं सकता। तो आप सभी का विशेष धन्यवाद, और मैं चाहूंगा कि जब हम आगे इस प्रोजेक्ट को लें तो आप में से जो लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ना चाहें, इंडियन साइकोलॉजी के साथ, वो उनका हम स्वागत करेंगे। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ बहुत बहुत आभार। अपना जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है प्लीज आप लोग भर लीजिए, और सावधानी के साथ भरिएगा, नहीं तो बहुत समय हमें लग जाता है, समय नष्ट होता है, व्यर्थ होता है, कोई लाभ नहीं उसका। और धन्यवाद डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद, धन्यवाद गुप्ता जी, थैंक यू सर, और बाकी भी सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। यदि कोई बातचीत मुझसे पूछना चाहता है, किसी की कोई समस्या या कोई और दिक्कत है, तो वो आप मुझे बता सकते हैं।